काफी चर्चाएं हुई, जो ब्लैक पैंथर्स के लोग हैं, जो दलित पैंथर्स के सीनियर लोग, उन्हीं से प्रेरणा लेके हमने भीम आर्मी भारत एकता मिशन बनाया। जो पैंथर्स का रुका हुआ काम है उसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूं कि भारत में डेमोक्रेसी है, भारत के अलावा दुनिया में बड़े पैमाने पर डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी पैंथर जैसे संगठन बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब गवर्नमेंट कुछ विशेष लोगों के साथ या कुछ ताकतवर लोगों के साथ उनका सहयोग करने के लिए गरीब लोगों को शोषण शोषण करती है या उनके अधिकारों को छीनने का प्रयास करती है, तब भीम आर्मी और पैंथर जैसे संगठनों की जरूरत पड़ती है। प्रदेश और देश के हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की, इसके लिए जनता टैक्स भी देती है, फिर भी बड़े पैमाने पर मुकदमे नहीं दर्ज होते, बहुत सारी एट्रोसिटी होती है। मेरा ऐसा भी मानना था कि सरकार बदली है महाराष्ट्र में तो अब कुछ चीजें अच्छी देखने को मिलेगी, लेकिन इस सरकार में भी एट्रोसिटी भी कम नहीं हुए और उसके से आगे बढ़ के जो बहुजन तबका उनकी तरक्की के लिए कोई विशेष काम नहीं हुआ। कोई ऐसी योजना मैंने नहीं देखी कि जिस योजना के जरिए एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के बच्चों को या इस समाज को रोजगार, जमीन, कोई और रिसोर्स या एजुकेशन का बजट कुछ इस तरह से डेवलपमेंट किया गया कि ये वर्ग जो है आगे बढ़ सके। मैं इस शख्स को जानता ही नहीं। लोकतंत्र है, आज़ादी है, भाई कोई कुछ भी बोल सकता है। क्या आपका कुछ पैसे वैसे लेके बोल दिया उन्होंने? मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं समझता हूँ कि ये महाराष्ट्र, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद थी कि आप महाराष्ट्र में मुझसे सवाल पूछेंगे। क्या तो आप ये मानते हैं कि महाराष्ट्र में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग काम नहीं कर रहे हैं? तो मैं समझता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा भीम आर्मी के लोग चर्चा में। तो अगर आप यूपी में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो वहाँ यूपी में वो लोग काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि दुश्मन राजनीति में कोई ज़्यादा लंबे समय तक दुश्मन और दोस्त नहीं होता। जो शायद आज आरोप लगा रहे हैं, कल हो सकता है कि वो, हो सकता है हमारे दलों में काम करें आने वाले समय में, या हो सकता है कि उनका दल जो है हमारे साथ ही गठबंधन करके घूमता फिरे। तो मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता हूँ, मेरा काम है काम करना और वो मैं अच्छी तरह कर रहा हूँ। कि अगर कोई संघर्ष करने के लिए सामने आएगा तो उनको इन आरोपों का सामना करना पड़ेगा। जो स्थापित लोग हैं वो चाहते हैं कि नए लोग ना आए। मैं समझता हूँ कि जब जिस मूवमेंट की आप बात करें, जब वो शुरू हुई थी तो शायद उसके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे थे कि वो कांग्रेस का वोट बैंक काटने के लिए आए हैं। मैं समझता हूँ इन सब चीज़ों में कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि राजनीतिक दलों की जो जिम्मेदारी होती है वो राजनीतिक दलों ने कितनी अदा की है। 5 साल सड़कों पर शोषित वर्ग के लिए कौन लड़ा है? और इसी बीजेपी ने जिसकी बात आप कर रहे हैं, मुझे 16 महीने जेल में रखा, मेरे ऊपर 100 से ज़्यादा मुकदमे लगाए, तब शायद आपके मन में सवाल नहीं आया होगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि काम करने वाले आदमी को आलोचना और आरोपों का सामना करना पड़ता है, और जब मैं यहाँ चुनाव लड़ूंगा तो शायद यहाँ पे भी इस तरह के आरोप लगेंगे। स्थापित लोग खुद कुछ करना नहीं चाहते और दूसरे लोगों को मौका नहीं देना चाहते। मुझे कोई थाली में परोस के नहीं दे। और भीम आर्मी के लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, ये हमारे नेता बैठी योगिनी ताईकोवार जेल गई थी एक मामले में, अपने मामले में नहीं, इस सोशल इश्यूज पे जेल गई थी। तो मैं समझता हूँ कोई थाली में परोस के नहीं देगा, संघर्ष तो करना पड़ेगा। नहीं, एमआई को भी महाराष्ट्र या देश में मादा सुन गई करेंगे लोग। जब अन्याय होता है तो बीमार भी, जैसे मैं दलित पैंथर है, जो संगठन है उनके पीछे जाते, लेकिन वोटिंग के वक्त वो उनके पीछे नहीं रहते। इसका कोई आपने सोल्यूशन या सोचा है? देखिए सही है, मैं भी उत्तर प्रदेश आया, आपके पास आया था, सहारनपुर आया था, वहाँ भी देखा आप स्टूडेंट बनने के, आप सीखने के लिए जाते हैं और एक दिन में एक ही क्लास को सीख सकते हैं। राजनीति भी एक क्लास, जब लोग लंबे समय तक कहीं जुड़े हुए हैं तो वो वहां से छोड़ेंगे तो उनके पास अल्टरनेट होना चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आप, अगर मैं महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपनी समस्याओं का निराकरण चाहते हैं। वो थोड़े समय के लिए जो छोटी समस्या उन पर ध्यान कर रहे हैं, हमें उनकी असली मूल समस्या को बताना पड़ेगा और उसका परमानेंट का हल भी बताना पड़ेगा। तो अभी तो हम महाराष्ट्र लड़े नहीं है, महाराष्ट्र लड़ेंगे तो मुझे ऐसा उम्मीद है
कि महाराष्ट्र के लोग तो अब समस्याओं का हल चाहते हैं, और महाराष्ट्र के लोग समस्या भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर फुले साहब की मूवमेंट जो है वो बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंची हुई है। यहाँ उनके जब बर्थडे होते हैं या उनकी जो है कोई इस तरह के उनसे जुड़े हुए दिन होते हैं तो बड़े पैमाने पर सेलिब्रेशन होते हैं। जो लोग उनको मानने वाले लोग हैं उनकी विचारधारा कैसे आगे बढ़े, महापुरुषों भी उनको कनेक्ट करना पड़ेगा। संगठन ही बहुत आसान तरीका है। अभी आजाद समाज पार्टी संगठन बना रही है, आप देखेंगे इस बार आजाद समाज पार्टी अच्छा करके दिखाएगी। और जिनको मैं नेता मानता हूँ, माननीय साहब काशीराम, मैं कल उन्हीं का जिक्र कर रहा था कि वो दिल्ली में इलेक्शन लड़े थे, पहली बार 25 सीटों पे लड़े नगर सेवक का चुनाव, और 25 की 25 पर उनकी जमानत जब्त। तो मैं तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे महापुरुष को नेता मानता हूँ जिसने संघर्ष का रास्ता चुना, सुविधा का रास्ता नहीं चुना। तो जब मैं उनको नेता मानता हूँ तो इन चीजों से हार जीत से मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हमारी मूवमेंट में तो हमें बताएगा कि सत्ता सेकेंडरी है, पहले तो अपनी मूवमेंट फुले साहब अम्बेडकर की मूवमेंट, इसकी विचारधारा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो मैं तो उसका काम कर रहा हूँ। अगर इसके जरिए फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा अंतिम लोगों तक पहुँच जाए तो ये भी बहुत अच्छा है। फिर जिस दिन वो विचारधारा को स्वीकार कर लेंगे तो अपने आप ही अपना राज लिया, फिर उनको चंद्रशेखर की या राहुल प्रधान की जरूरत रहेगी नहीं। जब लोग इस बात को, जब लोग वोट की वैल्यू समझ जाएंगे तो वोट बेचेंगे नहीं, वोट बर्बाद नहीं करेंगे, तो वो वोट अपने अच्छे व्यक्ति को देंगे। उम्मीद है कि हम लोग उनकी बात, डॉक्टर अम्बेडकर की बात को लोगों तक पहुंचाने में सफल हो जाएंगे। स्टेट कमेटी ने ऑर्डर किया, मैंने उतना बता दिया आपको। अगर स्टेट कमेटी तालुका और जिला परिषद में लड़ना चाहेगी तो मैं फिर स्टेट कमेटी या मेरे जरिए आपको सूचना दी जाएगी। पार्टी का एजेंडा क्या है? पार्टी का एजेंडा, अगर जिस मूल्यों के साथ लोकतंत्र का निर्माण हुआ था वो पूरे नहीं हुए हैं। मैं अगर समस्याओं की बात करूं तो मुझे गिनाते गिनाते शाम हो जाएगी, लेकिन समस्याएं खत्म नहीं। तो पार्टी का एजेंडा जो लोकशाही के मूल्य हैं कि अंतिम व्यक्ति को भी पावर शेयरिंग होनी चाहिए, और उनके जो मुद्दे हैं उनके लिए उनको सड़कों पे या आंदोलन नहीं करने चाहिए, जो लोग जिन लोगों को अवसर मिला उनको करके देना चाहिए। तो अभी तो जिस तरह की गैर बराबरी है, मैं समझता हूँ कि गरीब लोग तो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इस देश की आबादी और महाराष्ट्र की आबादी की उसमें मैं करूं तो बहुत सारे लोग तो जो है प्लेन को सिर्फ उड़ते हुए देखते हैं। उनकी अभी तक उनके लिए कुछ ऐसा नहीं कि वो उसमें बैठ जाए। तो मैं, मेरा ये सिर्फ उदाहरण है इसलिए क्योंकि जब मैं जाकर देखता हूं तो बड़े पैमाने पे जहां गरीब लोग रहते हैं वो घर भी ऐसे हैं कि वहां चार आदमी दो आदमी ज़्यादा रह नहीं सकते, लेकिन वो मजबूर इस सिस्टम में जहां वो बराबर टैक्स देते हैं लेकिन वो सुविधाओं से मजबूर, अंतिम व्यक्ति तक भी वो सारी सुविधाएं जो उनका राइट्स रहता है लोकतंत्र में वो पहुंचाने का काम है। हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर फुले साहब की जो विचारधारा है उसके जरिए हम लोग बूथ लेवल तक जा रहे हैं। जब हम ये देखते हैं कि बीजेपी क्यों जीतती है, जब बीजेपी जीत जाती है तो बहुत सारे दल ईवीएम वगैरह का आरोप लगा देते हैं, कहते हैं ईवीएम से जीत गई सब चीजें। मैं समझता हूँ कि हमें दूसरों की को देखने के साथ साथ खुद की कमजोरियों को भी देखना चाहिए। ईवीएम में हो सकता है दिक्कत हो सकती है, लेकिन बूथ मैनेजमेंट बीजेपी पन्ना प्रमुख तक बनाती है, दूसरे विपक्ष के लोगों के पास क्या है। तो हमने पन्ना प्रमुख से भी नीचे अपना संगठन बनाया, उसको हम ग्राउंड लेवल तक तैयार करें। संगठन के जरिए ही शक्ति बनेगी और शक्ति से ही हम लोगों को ये जो राजनीतिक परिवर्तन है वो उसको करने का मौका मिलेगा। तो जो 85% शोषित वंचित वर्ग हैं उनको, आइडियोलॉजिकल जो लोग जिनकी समस्या एक जैसी है और जिनके दुख सुख एक जैसे हैं उनको हम लोग जोड़ने का प्रयास करें विचारधारा के आधार पर। और पन्ना प्रमुख से नीचे हमारा संगठन है जिसमें संदेशवाहक और विश्वास मित्र दो पास पोस्ट है जो समझिए कि 10 लोगों के ऊपर है। ये विश्वास मित्र 10 परिवारों के साथ कनेक्ट होके उनकी समस्याओं को पार्टी के लोगों को अवगत कराएगा और उनके जरिए उनकी समस्याओं का समाधान होगा। तो हम बड़े पैमाने पर अपने संगठन को जमीनी रूप से मजबूत कर रहे हैं और छोटे छोटे प्रोग्राम और कैंप्स लगा के उनकी समस्या को कलेक्ट करेंगे और फिर उनका निराकरण कराएंगे, उनको जोड़ने का काम करेंगे। तो इसलिए हम लोग कल रात चर्चा कर रहे थे कि सामाजिक आंदोलन के बाद आप राजनीतिक आंदोलन भी आजाद समाज पार्टी काशीराम मजबूती से महाराष्ट्र में काम करेगा। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट राहुल भाई, हमारे नेता योगी ताई और हमारे जो जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के काली बाबू हमारे साथ हैं। हम लोगों ने डिसीजन लिया है कि हम लोग यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव है महाराष्ट्र में वो लड़ेंगे,
और मजबूती से लड़ेंगे, बिहार में आजाद समाज पार्टी की टीम स्ट्रांगली उसको कंटेस्ट करेगी। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि लोग बहुत ठगे गए हैं, उनका विश्वास टूटा है, तो वो लोग हमें इस बार मदद कराएं, क्योंकि भीम आर्मी के लोगों ने पिछले 6 साल से यहाँ मजबूती से काम किया है। और कोई ऐसा इशू नहीं, जिस तरह से नफरत को भी बढ़ावा दिया जा रहा है महाराष्ट्र में, उस पर भीम आर्मी के लोग स्ट्रांगली काम कर रहे हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है जिस पर भीम आर्मी के लोगों ने मजबूती से लड़ाई न लड़ी, चाहे वो डेमोलेशन का काम हो, जिस तरह से बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए गरीबों को की झोंपड़ झोंपड़ियों को खत्म किया जा रहा है, या और कोई सांप्रदायिक भावना को ठेस पहुंचाने का, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देके लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया जा रहा है, उसमें भी भीम आर्मी के लोग स्ट्रांगली लड़ रहे हैं। और यहाँ तो नांदेड़ में तो क्योंकि एक क्रांति भूमि है, यहाँ बड़े बड़े आंदोलन और तमाम तरह से वार्ड लेवल तक हमारा संगठन है। हमें आशा उम्मीद है कि इस बार महाराष्ट्र में हम लोग अच्छा करें। अभी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप अपनी बात अपना सवाल पूछ सकते हैं। ये जो माइंड डाइवर्शन चल रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बाबा साहब का पुतला किसी के छूने से अछूत नहीं होता, शुद्धिकरण से वो सछूत नहीं होता। मैं समझता हूँ बाबा साहब मूर्ति पूजा के सबसे बड़े विरोधी थे। उन्होंने कहा कि मुझे पूजने की नहीं पढ़ने की जरूरत है, मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में। और उन्होंने हमें कहा कि सुबह के समय 2 घंटी बजेगी। आजकल खूब यहाँ वो लाउडस्पीकर उतरवाए और चढ़वाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा 2 घंटी बजेगी स्कूल के एक मंदिर की, तय आपको करना है आपको कहाँ जाना, आपकी तरक्की के रास्ते शिक्षा से खुले। हम तो उस बात को समझते हैं, जो लोग नहीं समझे उनको भी समझाने का प्रयास करें कि बाबा साहब के उनको मानने की नहीं, उनके दिखाए रास्ते पर चलने की जरूरत। उम्मीद है कि लोग समझे। पूछना चाहिए, डॉक्टर अम्बेडकर ने तो इस बारे में नहीं कहा, मैं तो उसी चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। और मैं समझता हूँ कि मैं सिर्फ उनको जानता नहीं, उनको मानता भी। मैंने कहा ना, हमारे तरक्की के रास्ते तो स्कूल से खुलेंगे, कॉलेज से खुलेंगे। और अच्छा, उनको पढ़ने चाहिए, कुछ तो पढ़ें, किताबें नहीं पढ़ते तो कुछ तो पढ़ें, शायद कुछ बदलाव हो जाए। लेकिन आप ये याद रखें कि उनके पास तो सरकारी सुविधाएं हैं, लेकिन क्या गरीब आदमी अगर धार्मिक काम में जुड़ जाएगा तो उनके बच्चों को रोटी मिल जाएगी? जिसका पेट भूखा हो उसको वजन भी अच्छे नहीं लगते। मैं समझता हूँ कि अच्छा है, उनके ऊपर केस भी है कि उनका जो प्रमाण पत्र है फर्जी है। अगर यहाँ न्यायपालिका में रिजर्वेशन होता, कॉलेजियम सिस्टम ना होता, तो शायद 420 करने वालों की जगह जेल होती। धन्यवाद।